प्रिय दोस्तों, शास्त्री फिलिप के इस अद्भुत पाठ में आपका स्वागत है। शास्त्री जी बहुत सारे विषयों पर बहुत ही मर्मस्पर्शी अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक भी आपसे छूट न जाए, उसके लिए एक काम कीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में एक घंटी का चिन्ह भी दिखाई देगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। बस हो गया काम। अब शास्त्री जी के हर वीडियो की सूचना आपको अपने आप मिल जाएगी। हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। अनुग्रह सिर्फ अपने आप तक न रखें, प्रभु आपको सर्व अनुग्रहों से भरपूर करें। आज प्रभु ने इस तरह से एक बार और मौका हमको दिया, उसके लिए मैं प्रभु का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज सुबह बैठ के मैं हिसाब लगा रहा था, 4 और महीने की बात है, इस सत्संग को 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में अपन लोगों ने कितने गाने गाए, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की, सबसे बड़ी बात प्रभु के वचन से कितनी सारी बातें सुनी। आप में से कई लोगों ने इन 2 सालों में प्रभु यीशु के साथ जो आपसी संगति है, उस संगति को पहचाना, उस संगति को पाया। अपने आत्मिक जीवन में आपने एक नया अध्याय खोल दिया। मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने आप में से हर एक के जीवन में इस तरह से इस सत्संग के द्वारा कार्य किया। आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं और प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से जब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी और लाचार, अपने स्वयं के प्रयत्न से या प्रयत्नों के द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप मुझे नया जीवन दीजिए, तब प्रभु हमको नया जीवन देते हैं। मैंने ये नया जीवन पाया है। इस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नया जीवन पाया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सत्संग में आने के बाद ये नया जीवन पाया है। उन सबको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपके जीवन में एक अध्याय खुल गया है। एक बात बताइए, एक पुस्तक में सिर्फ एक अध्याय होता है क्या? नहीं, एक पुस्तक में अनेक अध्याय होते हैं, और यदि पहला अध्याय खुल गया है तो उसको पूरी तरह से पाठ करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अंत तक जाना जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ अध्यायों को बीच बीच में खोलकर दोबारा देखना जरूरी होता है, और ज़रूरी हुआ तो शुरू से आखिर तक फिर से पढ़ना जरूरी है। ये एक उपमा है जो मेरे और आपके जीवन को दिखाता है। मेरा और आपका आत्मिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब हम प्रभु के चरणों में जाकर अपने पापों को मान के प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक बच्चा पैदाइश के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह से आत्मिक जीवन के अन्य जो अध्याय है उनको खोलकर उनका पाठ करना हमारे लिए ज़रूरी है। इस संदर्भ में पिछले कई महीनों से अपन लोग प्रभु के वचन से एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसके द्वारा विषय की पृष्ठभूमि मैंने तैयार की। जब पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो उसके बाद मेरा और आपका व्यावहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पिछले हफ्ते मैंने प्रभु के वचन से आपको एक बात बताई थी। मैंने जो घटना बताई थी वो इस तरह से है कि प्रभु यीशु जब जा रहे थे तो उनको भूख लगी और उन्होंने एक अंजीर का पेड़ देखा जिसमें बहुत पत्ते थे। प्रभु उस पेड़ के पास गए, उसमें फल नहीं था। प्रभु ने कहा, तुझमें कभी कोई फल ना लगे। अगली सुबह तक वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया था। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि अंजीर का मौसम नहीं था। तो सवाल यह है कि जो अंजीर का मौसम नहीं था, तब प्रभु ने क्यों उस पेड़ से फल की उम्मीद की? ये मैंने विस्तार से पिछले हफ्ते बताया था
कि जब अंजीर का फल नहीं होता तब सैकड़ों में से एक पेड़ पर एकदम से हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, जो इस बात की सूचना देता है कि अन्य पेड़ों में फल नहीं है लेकिन मैं एक अपवाद हूँ और मुझ में बेमौसम में भी फल लगा है, यात्रियों मेरे पास आकर अपनी भूख मिटाएं। इस कारण प्रभु उस पेड़ के पास गए थे। पास जाने पर पता चला कि यह तो झूठा संदेश था। यह मेरे और आपके जीवन को प्रदर्शित करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम इस संसार में रहते हैं तब संसार हमसे उम्मीद करता है कि प्रभु यीशु के बच्चों के जीवन में जो फल लगना चाहिए वो मेरे और आपके जीवन में लगेगा, दिखेगा, जिससे दूसरे लोगों को उनके आत्मिक जीवन में तृप्ति मिले। लेकिन यदि हम दिखावा करते हैं और यदि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो प्रभु उससे खुश नहीं होते। यदि कोई खूब पढ़ने लिखने का दिखावा करे, एग्जाम में बैठे और उसने पढ़ाई नहीं है तो अध्यापक उसको नंबर देगा क्या? अध्यापक ने जो उसने नहीं लिखा इसलिए जीरो नंबर देगा। यही मेरे और आपके आत्मिक जीवन की बात है। आज आत्मिक जीवन से संबंधित एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और वो ये है कि जिस समय मैंने और आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण से प्रभु आपका और मेरा उपयोग करना चाहते हैं। और उसके लिए प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि प्रभु ने हमको कम से कम 40 अलग अलग बातें दी हैं। आप कहेंगे कि 40 बातें? जी हाँ, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के परिवार में जन्म लिया है उस व्यक्ति को प्रभु कम से कम 40 बातें देते हैं। इनमें से 40 में से कम 10-15 तो ऐसे हैं जिनका डिटेल में जानना हमारे लिए ज़रूरी है और यदि प्रभु ने मदद की तो आने वाले हफ्तों में हम विस्तार से इन बातों को देखेंगे। आज उसमें से एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हम पहला पत्रस 4:10 में पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। पहला पत्रस 4:10 कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे प्रभु के नाना प्रकार के मतलब विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहाँ ये पद आरंभ में यह कहता है जिस जिस को जो जो वरदान मिला है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जिस क्षण आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस समय प्रभु ने आपको जो 40 बातें दी थीं उनमें से एक बात है वरदान। ये वरदान क्या चीज है? वरदान का मतलब है एक विशेष योग्यता, एक विशेष बात जो प्रभु ने आपको दी है। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, मैंने तो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, ग्रहण किए हुए 4, 6 या 8 महीने हो गए, 4, 6 या 8 साल हो गए, लेकिन मुझे तो कोई अता पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई वरदान मुझे मिला है या नहीं मिला है। जो इस तरह की बात करता है उसकी बात सुन के मुझे एकदम से एक घटना याद आ जाती है। हमारे शहर ग्वालियर में म्युनिसिपैलिटी का एक कर्मचारी था जो बहुत ही विश्वास योग्य था। अपना सारा काम मुस्तैदी से करता था, काम करने में कभी कोई लापरवाही नहीं करता था, कभी भी किसी तरह की काम चोरी नहीं करता था, किसी से फालतू बात नहीं करता था। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार का आदर्श कर्मचारी है। सरकार से साल में उसको 2 या 3 जोड़ी खाकी कपड़े मिलते थे, उनको वो बहुत संभाल के रखता था, बहुत संभाल के उसका उपयोग करता था। यहाँ तक कि नौकरी के बाद यदि उसे कहीं जाना होता था तो भी उसी खाकी कपड़े को पहनता था, इतनी अच्छी तरह से उसको संभाल कर रखता था।
उसका कोई आगा पीछा नहीं था, ना तो शादीशुदा था ना बच्चे थे, और उसके परिवार में किसी का कोई पता नहीं था कि उसका कौन बाप है, उसकी कौन माँ है, उसके परिवार के कौन सदस्य हैं। म्युनिसिपैलिटी के साथ काम करते करते लगभग रिटायर आने पर था, तब अचानक वो गुजर गया। जब वो दफ्तर नहीं पहुंचा तो लोगों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो दरवाज़ा धक्का देके तोड़ के खोल के अंदर गए तो पता चला कि वो 2 दिन पहले गुजर चुका है। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस ने आकर बाकायदा पर्चा वगैरह बनाकर उसको उसकी शरीर को भेज दिया। लेकिन जैसा पुलिस का कायदा है, उस कायदे के हिसाब से उसका जो एकमात्र कमरा था, उस कमरे में जो माल असबाब था उसको जांचा गया। जांचा गया तो पता चला कि वो जो तकिया रख के सोता था, तकिया जो है उसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। लोगों को लगा इतना पैसा उसके पास कहाँ आया, कहाँ से आया। बाद में उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई देखो, अच्छी सरकारी नौकरी करता है और हमारे यहाँ की म्युनिसिपैलिटी तो बहुत बढ़िया तनख्वाह देती थी, तो उसने तनख्वाह बचा के रखा होगा, क्योंकि ना तो आगा है, ना पीछा है, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माँ है, ना बाप है, और बहुत ही सस्ते किराए के मकान में रहता है, तो पैसा बचाता होगा। लोगों ने ये भी देखा था कि वो चपाती बना के, सूखी रोटी बना के लाता है, और ग्वालियर में घी तो बहुत सस्ता होता है, तो सूखी रोटी पे थोड़ी सी घी चुपड़ के वो लाता है, बस कोई सब्जी नहीं कुछ नहीं, वही खाता है, उसी में खुश रहता है, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की है। तो जो सिर्फ रोटी खाता है, और उस किचन में उन्होंने तलाशा तो पता चला कि वहाँ आटे और घी के अलावा उसके किचन में कुछ नहीं, मतलब उसने कभी सब्जी नहीं बनाई, कभी चाय नहीं पी, कभी दूध नहीं पिया, कुछ नहीं था, तो फिर पैसे तो बचेंगे ही। कपड़े टटोल के देखे तो पता चला कि खाकी ड्रेस के अलावा उसके कमरे में कुछ नहीं, कपड़े नहीं खरीदे, जूता वो जो पहनता था वो देखते ही अनुमान हो गया कि कम से कम 10-15 साल पुराना है, तो ना तो जूते खरीदे, ना कपड़े खरीदे, ना सब्जी खरीदे, ना दूध पिए, ना चाय पिए, तो पैसा तो बचेगा। तो तकिया भर के पैसा था, तो उन्होंने तकिया हटाया तो गद्दे में कोई आवाज़ सुनाई दी सरसराहट की, तो उन्होंने हाथ लगाया तो पता चला कि गद्दे में भी कुछ भरा हुआ है, फाड़ के खोला गया तो पता चला कि पूरे गद्दे में पैसे ही पैसे भरे हुए हैं। उसको भी लिया, उसके बाद इधर उधर तलाशा तो पासबुक मिल गया, पासबुक में देखा तो लाखों रुपए जमा है। तो लोगों ने सर पकड़ लिया कि जिस आदमी के पास लाखों रुपए बैंक में जमा है, जिसके तकिए में पैसा है, जिसके गद्दे में पैसा है, उसने कैसा जीवन बिताया। उससे अच्छा तो मेरे घर के सामने एक भिखारी बैठता था, उसका जीवन था। क्यों? इसलिए कि भीख मांगता था, और भीख से जो पैसे मिलते थे उससे बाकायदा कपड़े भी बनवाता था, जूते भी पहनता था, और कई बार वो वहाँ बैठे बैठे जब बच्चे इधर उधर खेलते हुए चाचा हमको भी तो हमारा भी तो ख्याल रखो, तो बाकायदा उनको टॉफ़ी अपने थैले से, भिखारी बाकायदा टॉफ़ी खिलाता था बच्चों को, उसका जीवन ज़्यादा अच्छा था। बाकायदा उसका हिसाब लगाया गया कि कहीं ये घूस तो नहीं लेता था, सब लोगों ने कहा कि नहीं, कभी उसने घूस नहीं लिया। हिसाब लगाया तो पता चला कि उसको जो भी तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह में से ज़्यादातर पैसा वो बैंक में जमा कर देता था, और तब से जमा करता आ रहा था जब से उसको म्युनिसिपैलिटी में नौकरी मिली थी, और उस कारण अब बैंक में पैसे का ब्याज इतना हो गया था कि टैक्स देना पड़े, तो वो क्या करता था कि टैक्स नहीं देना चाहता था, उसके कारण पैसा बैंक में जमा करने के बदले अब पैसा वो अपने गद्दे में और तकिए में जमा कर रहा था। जरा एक बात बताइए, 18 साल की उम्र से उसने नौकरी शुरू की, या मान लीजिए 21 साल की उम्र से नौकरी शुरू की, हमारी म्युनिसिपैलिटी में 65 साल तक नौकरी कर सकते थे उस समय, 63-64 साल की उम्र में वो गुजर गया, 21 साल से लेकर 63-64 साल, मतलब 42-43 साल उसने पैसा कमाया, काम चोरी नहीं की,
मुस्तैदी से काम किया, इतना उसको इनकम हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ? ढंग के कपड़े पहने कभी नहीं, ढंग के जूते पहने कभी नहीं, कमरे में टटोल के देखा रजाई है क्या, नहीं, दो चार कंबल दिखाई दे गए और कंबल देखते ही लोग समझ गए कि वहाँ एक सरकारी कंबल केंद्र है जहाँ पर हर साल वो कंबल जो दीमक वगैरह खा जाते हैं वो बेच दिए जाते हैं, मतलब मिट्टी के मोल बेच दिए जाते हैं। तो ऐसे कंबल खरीद के लाके उसने एक दूसरे से जोड़ दिया था जिससे कि ठंड से वो बच जाए। कभी ढंग की रजाई उसने नहीं यूज़ की, स्वेटर नहीं था, कोट नहीं था, वो घर से ठंड के समय बाहर ही नहीं निकले, कंबल ओढ़ के घर पे बैठा रहता था। उसका जीवन, उसने जीवन में फिर सवाल यह है कि जब एक भिखारी से भी बुरा जीवन बिताना था तो उसने मेहनत क्यों की, नौकरी क्यों की? वो हमारे घर के सामने बैठ जाता तो इससे 10 गुना आराम से वो जी सकता था। देखिए, वो जी रहा था, बाकी लोग नौकरी कर रहे थे इसलिए वो भी नौकरी कर रहा था, वो ईमानदार था, लेकिन अपनी मेहनत से उसने जो कमाया, जो भारी पूंजी थी, जो पूंजी शुरू से बैंक में जमा करवाता जा रहा था, इसलिए 42 साल में हर महीना पैसा जमा कर रहा था, 42 साल में पैसा इतना ज़्यादा हो गया था कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और अब उसको इनकम टैक्स देने की नौबत आ गई थी, और इसलिए वो पैसा टैक्स ना दे इसलिए वो अब घर पे जमा कर रहा था। ना तो उसको फ़ायदा हुआ, ना इनकम टैक्स वालों को फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा इस तरह की पूंजी। और आखिर में क्या हुआ, इस तरह से जो भी बेनामी या इस तरह से बिना मालिक का पैसा होता है वो या तो पुलिस लेके अपने रिकॉर्ड में जमा कर लेती है या म्यूनिसिपालिटी ले लेती है। उस आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। कम से कम दान दे देता, कम से कम अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी फीस दे देता तो 4 बच्चे ढंग के आदमी बन जाते, ढंग के नौकर बन जाते, ढंग के प्रोफेसर बन जाते, ये भी नहीं हुआ। मेरी और आपकी स्थिति कई बार ऐसी ही है। प्रभु ने नया जीवन जब हमने पाया उस समय हमको असीमित पूंजी दी है जिसको वरदान कहा जाता है या आत्मिक वरदान कहा जाता है। प्रभु के वचन में कम से कम 4 जगह आत्मिक वरदानों के बारे में डिटेल विस्तार हम देखते हैं। आज समय नहीं है लेकिन उसका सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन 4 भागों को जब हम उठाकर पढ़ते हैं तब उससे पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है, प्रभु की संतान हो जाता है, उस समय प्रभु उसको कम से कम एक विशेष योग्यता देते हैं जिस योग्यता का उपयोग उसे जीवन भर करना है, और इस तरह से जीवन भर उस योग्यता का उपयोग करने के द्वारा उसको दूसरों के आत्मिक जीवन में योगदान देना है, अपने स्वयं के आत्मिक जीवन को पोषित करना है और प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है। मैं एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, कितने ही महीने पहले आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, कितने ही साल पहले प्रभु को आपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। जिस समय आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब प्रभु ने आत्मिक वरदान नामक ये असीमित पूंजी आपको दी। आपने उसको पहचाना क्या? यदि नहीं पहचाना तो क्या कारण है? क्योंकि प्रभु का वचन तो बहुत विस्तार से इस विषय के बारे में बोलता है। और यदि पहचाना तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे तो क्या, इसके लिए क्या बहाना आप देंगे? आप कहेंगे, शास्त्री सर, बहाना शब्द आप क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि जब आपके पास पूंजी है, आपके पास अवसर है, और जब प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बच्चे जाकर उसका उपयोग कर, तब यदि हम उपयोग नहीं करते हैं तो बहाना नहीं तो और क्या बनाएंगे? असली कारण बताएंगे कि असली कारण क्या हो सकता है? आज से 2000 साल पहले एक आदमी ने
बहाना बनाया। प्रभु ने एक उदाहरण दिया था, एक स्वामी ने अपने 10 दासों को बुलाया, 10ों को चांदी का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया, चांदी के हिसाब से कहा जाए तो बहुत उसका वजन था। बोला जाओ और मेरे आने तक इसका व्यापार से इसका उपयोग करो। मालिक चले गए, समय आने पर मालिक वापस आए, नौकरों को बुलाया, आओ बताओ क्या किया। एक ने कहा मालिक आपने मुझे चांदी का एक बहुत बड़ा पिंड दिया, मेरी योग्यता के बाहर आपने मुझे दिया। मालिक मैंने नियमित रूप से उसके द्वारा व्यापार किया और मालिक मैं चांदी के उतने बड़े 10 पिंड और मेरे पास है। मालिक ने कहा कि हे मेरे दास, मेरी संपत्ति के हिसाब से मैंने तुझे बहुत कम दिया था, लेकिन जो दिया उस कम में भी तू विश्वास योग्य रहा और इसलिए मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। अगला आया, उसने कहा मालिक मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैंने विश्वास योग्यता से व्यापार किया और हे मेरे मालिक 5 पिंड आपने, 1 पिंड आपने दिया, मैंने 5 और कमाए। मालिक ने कहा कि मेरे विश्वास योग्य दास, मेरी संपत्ति के हिसाब से ये मैं तुमको जो 1 पिंड देके गया था वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तू उसमें ही विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। इस तरह से 9 दासों ने आकर अपना अपना हिसाब दिया। 10वां आके खड़ा हुआ बड़ी धृष्टता के साथ, मालिक आप बड़े दुष्ट आदमी हैं। जरा सोचें, इतना करुणामयी मालिक जो बिना किसी गारंटी के, और यदि नुकसान हो गया तो उसको क्षमा कर देगा, ऐसे नजरिए के साथ इतनी बड़ी राशि जिसको देके गया है, कम से कम मालिक के सामने खड़े होकर ढंग से बात तो करता। बदतमीजी के साथ उसने जवाब दिया, मालिक आप बड़े कठिन आदमी हैं, कठोर व्यक्ति हैं, आपने जो नहीं बोया उसको आप काटते हैं और जहां आपने नहीं रखा वहां से उठाते हैं, और इसलिए मैंने वो चांदी का विशालकाय पिंड गड्ढे में खोद के गाड़ के रखा था। मालिक ने उससे कहा, ये दुष्ट दास, जब तुझे मालूम है कि जो मैंने नहीं बोया उसको काटता हूं, तो अरे उसको गड्ढे में गाड़ के रखने के बदले तू उसे उठा के बैंक में दे देता। आप कहेंगे 2000 साल पहले बैंक होते थे क्या? जी हाँ, प्रभु यीशु के जमाने में बैंक होते थे। उस समय के जो सर्राफ लोग होते थे, जो सोने चांदी का व्यवहार जो उसका व्यापार करते थे वो लोग, और उस समय के जो मंदिर होते थे, ये मंदिर बाकायदा बैंक का काम करते थे। जिसको व्यापार करना होता था वो जाके अपनी जमीन वहाँ सर्राफ के पास या मंदिर के पास गिरवी रख देता था, चांदी या सोना ले लेता था, उसके साथ व्यापार करता था, और समय आने पर वो चांदी या सोना वापस करके उसका जो ब्याज है वो भी चांदी या सोने के रूप में वापस करके अपनी गिरवी रखी हुई जमीन वापस ले लेता था। इस कारण कोई भी व्यक्ति जैसे आज बैंक में पैसा जमा कर देता है, प्रभु यीशु के जमाने में वो पैसा जमा कर सकता था, और यदि वो सर्राफों को पैसा दे देता या मंदिरों में उस समय जो बैंक था उसको पैसा दे देता, तो वो बैंक जब तक मालिक नहीं आया तब तक उस चांदी या सोने का उपयोग करके पैसा कमाते और वो ओरिजिनल जो चांदी का पिंड था उसके साथ साथ ब्याज भी वापस कर देते। ये नौकर अनजान नहीं था। मालिक ने जिस तरह से नौकर से बातचीत की उससे हम ये बात स्पष्ट जानते हैं कि ये नौकर अज्ञानी नहीं था। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि मालिक के नाम से बैंक में जमा कर दो, मालिक वापस आएंगे तो मालिक को ब्याज के साथ उसका मूलधन मिल जाएगा। उसने नहीं जमा किया इसलिए कि वो दुष्ट था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने मुझे और आपको जो सौंपा है, जो पूंजी सौंपी है,
जिसमें मेरी आपकी कोई योग्यता नहीं है, जिसको हम अपनी मेहनत से कमा नहीं सकते हैं, वो पूंजी नियमित रूप से उसका उपयोग करना आपके लिए जरूरी है। और यदि आप उस पूंजी का उपयोग नहीं करेंगे तो प्रभु आपसे भी यही समय के अंत में प्रभु आपसे यही कहेंगे, हे दुष्ट दास, अरे कम से कम इसका कुछ तो उपयोग किया होता, तूने ऐसी दुष्टता क्यों की? आप कहेंगे कि लेकिन उसको दुष्ट क्यों कहा? मालिक ये भी तो कह सकते थे कि अरे निकम्मे दास, मालिक ये भी तो कह सकते थे कि अरे कामचोर, तू काम नहीं करना चाहता था, तो प्रभु ने उसको, या वो प्रभु कह सकते अरे सुस्त दास, काम करने से सुस्ती दिखाई, काम चोरी की, निकम्मापन किया, लेकिन प्रभु ने उसको दुष्ट क्यों कहा? उसके पीछे एक रहस्य है जो हमको समझ में आना चाहिए। प्रभु यीशु के जमाने में ये गुलाम लोग जो होते थे उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती थी, इसलिए यदि कोई गुलाम चांदी का या सोने का पिंड लेकर सर्राफ के पास जाए या मंदिर में जाए कि भैया इसको जमा कर लो और इस पर ब्याज दे देना, तो वो लोग बाकायदा कहेंगे अच्छा ठीक है, मालिक का नाम बताओ। अब वो मालिक के रूप में अपना नाम थोड़ी बता सकता है, वो कहेगा कि मैं मालिक हूँ, तो सर्राफ कहेगा तू तो गुलाम है, इतने पैसे तेरे पास होते तू तो मालिक होता, गुलाम के पास ये कैसे पैसे आए? तो उसको बाकायदा अपने मालिक का नाम बताना पड़ता और बाकायदा बैंक वाले मालिक के नाम से वो पैसा रजिस्टर करते। और यदि मालिक वापस आता उस समय ये गुलाम मान लीजिए मर खप जाए, तो बाकायदा आकर मालिक वो पैसा वसूल कर लेता, मालिक को पैसे का नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उस जमाने में आज से 2000 साल पहले जब रेलगाड़ियां नहीं होती थी, जब आज के समान वाहन नहीं होते थे, आज के समान हथियार नहीं होते थे, उस समय व्यापार के लिए लोग कैसे जाते थे? गधे के ऊपर माल लाद के ले जाते थे, घोड़े के ऊपर तो यात्रा कर रहे, ऊंट के ऊपर माल लाद के ले जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर जंगलों और मरुभूमि में होके यात्रा करनी पड़ती थी। आप खुद जानते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में भी हिंदुस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहां जंगलों में रात को लोग यात्रा नहीं करते। आप में से कईयों के गांवों के आसपास ऐसे इलाके हैं जहां रात को गाड़ियां नहीं जाती हैं। मैं ऐसे इलाके में पला हूं, चंबल, जहां पे रात को निकलने में लोगों की ऐसी तैसी होती है, रात को पैसा माल असबाब लेके लोग नहीं निकलते हैं, खतरा बहुत होता है, लूट लाट लें। इतना ही नहीं, आज से 2000 साल पहले तो आज से हजारों गुना जंगली जानवर थे, कोई जंगली जानवर ही आपको खा जाए। तो उस जमाने में इस बात की संभावना थी कि मालिक व्यापार के लिए विदेश गए, जाते में कोई जंगली जानवर ही उनको खा जाए, जाते में कोई डाकू ही उनको लूट ले और डाकू के साथ झगड़ा फसाद करे तो डाकू उनको काट के, मार काट के जंगल में डाल दे। इस तरह से व्यापार के लिए जो मालिक लोग जाते थे, ऐसा अनुमान है कि उसमें से लगभग 20% लोग कभी वापस नहीं आते थे। तो ये नौकर शायद ये अनुमान लगा रहा था कि भैया 20% चांस है कि मालिक वापस नहीं आएंगे, और मालिक वापस नहीं आएंगे तो ये पैसा फिर किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बैंक में नहीं दिया है, मालिक का उसमें नाम तो लिखा हुआ नहीं है, मालिक ने अपने परिवार में किसी से ये तो नहीं कहा है कि ये पैसा उससे वसूल कर लेना। तो ये उसका अनुमान था कि 20% चांस है कि मालिक इस व्यापार में मर खप जाएंगे, और 20% चांस है कि ये इतना बड़ा माल, चांदी का ये बड़ा पिंड, ये मेरा हो जाएगा, फिर तो अपन जिंदगी भर आराम करेंगे, 7 पीढ़ियों के लिए पैसा हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा है दुष्ट दास,
यदि मालिक के नाम से वो पैसा सर्राफ के पास या मंदिर में जमा होता तो मालिक के मरने के बाद मालिक के बच्चे बैंक में जाके पूछते कि हमारे फादर के नाम से यहाँ कोई पूंजी है क्या, तो बाकायदा बही खाता लेके बोलते कि हाँ साहब उनके नाम तो पूंजी है, तो उनके बच्चों को मिलती। लेकिन यदि ये पैसा कहीं जमा ना करके गड्ढे में खोद के डाल दो तो मालिक यदि मरखब गए तो पैसा अपना हो जाएगा, अपनी चांदी चांदी हो जाएगी, मालिक वापस आ गए तो ये पैसा उनको वापस दे देंगे। ऐसा दुर्भाग्य उसका हुआ कि मालिक वापस आ गए, इसलिए उसका मिजाज खराब हो गया। मतलब काफ़ी दिन से, उन दिनों लेटर वगैरह कहाँ होते थे, टेलीफोन वगैरह कहाँ होते थे, तो मालिक गए तो उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं, तो हर दिन वो खुश अपने मन में खुश होता था कि गए हुए महीना भर हो गया कोई खबर नहीं, मालिक जरूर मर कब गए होंगे। 6 महीने खबर नहीं आई तो उसको तो गारंटी हो गई कि मालिक खत्म हो गए। साल 2 साल तक मालिक की कोई खबर नहीं, उसको गारंटी हो गई कि अब तो ये माल अपना है। तब मालिक आ गए, इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया, इसलिए मालिक की बुराई कर दी जाके कि तुम जिंदा वापस आ गए, हमारा सपना मट्टी में मिल गया। इसलिए जाके उसने कहा कि आप दुष्ट आदमी हैं। ये इस बात को बताता है कि मैं और आप, मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने जो पूंजी दी है, जो पूंजी जमा की है, उस पूंजी के प्रति कभी भी हमारे मन में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। पूंजी मालिक की है, हिसाब मालिक मांगेंगे और कल को हमें मालिक को हिसाब देना पड़ेगा, ये सोचकर हमें उस पूंजी का उपयोग करना चाहिए। इस कारण मैं फिर से यहाँ जितने भाई और बहन एकत्रित हुए हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु के परिवार में जन्म लिए हुए, प्रभु के शिष्य बने हुए, नए जीवन पाए हुए आपको कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? इतने सालों में आपके जीवन में प्रभु ने जो पूंजी निवेश किया है उसका आपने क्या उपयोग किया है? आप पूछेंगे कि शास्त्री सर आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, कि जी हाँ, मैंने 5 साल की उम्र में प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। 18 साल की उम्र में मैंने पहली बार प्रभु के वचन से इस बात को पहचाना कि प्रभु ने मुझे कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया है। तो मेरे तो 13 साल वैसे ही बर्बाद हो गए, मतलब 5 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक। लेकिन जब मैंने ये पहचाना कि पिछले 13 साल अपनी पूंजी को ना जानने के कारण बर्बाद हो गए हैं, तब मैंने ये ठान लिया था, हे प्रभु यदि आपकी मदद मिलेगी तो आने वाले दिनों में मैं इस पूंजी का उपयोग इस तरह से करूंगा कि 13 सालों में मुझे जो नुकसान हुआ है, प्रभु मैंने आपका जो नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई हो जाए। बहुत ही नियमित रूप से मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा जो वरदान है, जो आत्मिक वरदान है, वो पहचानने में मेरी मदद कीजिए जिससे कि मैं उसका उपयोग कर सकूं। धीरे 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 मुझ पर ये बात स्पष्ट होने लगी कि प्रभु ने मुझे जो आत्मिक वरदान दिया है वो इस तरह की टीचिंग से संबंधित है। मतलब प्रभु ने मुझे दूसरे लोगों को प्रभु का वचन सिखाने का वरदान दिया है। ये बात धीरे धीरे मुझ पर स्पष्ट होने लगी। हमारा आत्मिक वरदान क्या है, इस तरह से जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता से जीवन बिताते हैं तब धीरे धीरे स्पष्ट होता है। 21 साल का जब मैं था तब मेरी मंडली के मुखियों ने बोल दिया, देखो अगले हफ्ते से बुधवार को जो बाइबल क्लास होता है उसमें तुम क्लास लोगे, और अभी से सोच लो कि कौन सा विषय लेना है। मैंने कहा अंकल आप क्या कह रहे हैं, मेरे मंडली में कम से कम 4-5 ऐसे मुखिए हैं जो प्रभु के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे पिताजी भी हैं और आप हैं और कई लोग हैं। उन्होंने कहा हाँ, इस सभा में, इस सत्संग में
तुमसे सीनियर बहुत लोग हैं, बल्कि ज्यादातर लोग तुमसे सीनियर हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में हमने तुम्हारे जीवन को जो देखा उससे हम इस बात को स्पष्टतया समझ गए हैं कि प्रभु ने तुमको प्रभु का वचन सिखाने के लिए बुलाया है। हमने ये भी देखा कि तुम तो जितना तुमको खाली समय मिलता है उस समय मटर गश्ती या मौज करने के बदले बैठ के पढ़ते ही पढ़ते रहते हो, लिखते ही लिखते रहते हो। इससे हम इस बात को अच्छी तरह से पहचान गए हैं बेटे कि तुमको प्रभु ने टीचिंग का, आत्मिक शिक्षक होने का वरदान दिया है, और इस कारण हम इस चर्च के मुखियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि आगे से जब तक तुम्हारी तबीयत खराब ना हो तब तक तुम ही क्लास लोगे। मैं कांप गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। इस तरह से 21 साल की उम्र में, लगभग 21 साल की उम्र में मैंने अपने चर्च में प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ाना शुरू किया। पहले तो मेरे घुटने टकराते थे, कमर ढीली हो जाती थी जब मेरे पिताजी वहाँ बैठे। पिताजी तो ना केवल अच्छे टीचर हैं, मेरे पिताजी बहुत कठोर अनुशासन करने वाले हैं, तो उनको देख के मेरी हालत ख़राब होती थी। उधर जिस अंकल ने मुझसे कहा था वो तो बहुत ही पहुँचे हुए शिक्षक थे, वो बैठे रहते थे, और भी 4 बैठते थे। उन लोगों के सामने खड़े होकर बाकी सारे लोगों को प्रभु के वचन की शिक्षा देना आसान नहीं था, लेकिन उन लोगों का दृढ़ निर्णय था कि मैं ही लूँगा। मैंने भी प्रभु से कहा, प्रभु आपने गिफ्ट दिया है, दूसरे, मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था, तब तक दूसरों ने पहचाना, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर टीचर बना दिया है, हे प्रभु मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, मुझे आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए प्रभु जब भी मैं खड़ा हूँ तब प्रभु अपना वचन मुझे दीजिए जिसके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आए, रूपांतर आए, परिवर्तन आए। आज मैं 64 कंप्लीट करके 65वें साल प्रवेश कर चुका हूँ। आज भी हर दिन प्रभु से मेरी प्रार्थना है, प्रभु उस भाई का, इस बहन का गिफ्ट आपने मुझे नहीं दिया है, लेकिन मुझे आपने जो दिया है उसका सही उपयोग करने के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी आवाज पतली है, आपने नोट किया है, पतली आवाज वाले बहुत अच्छी तरह से गा लेते हैं। इस कारण लोगों को कई बार यह गलतफहमी होती है कि शायद शास्त्री सर बहुत उम्दा गाते होंगे। नहीं, प्रभु ने गाने का वरदान मुझे नहीं दिया है। मैं गाऊं तो ऐसा आदमी जिसको महीने भर से नींद नहीं है वो 5 मिनट में सो जाएगा। प्रभु ने नहीं दिया है मुझे वो वरदान, प्रभु ने मुझे दिया है विषय, विचार, आशय के आदान प्रदान का। और तब से हमेशा प्रभु से मेरी प्रार्थना है, प्रभु मेरी मदद कीजिए। और एक विशेष प्रार्थना है मेरी, जो इस मंडली के मेरे जितने भाई बहन यहाँ हैं, मतलब सुबह की मंडली के, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ गवाही के रूप में। जब से मैंने प्रभु के वचन को हाथ में लेकर प्रभु के वचन की शिक्षा शुरू की है, तब से हमेशा मेरी प्रार्थना रही है कि प्रभु मैं स्टेज में नाटक नहीं करूँगा, नौटंकी नहीं करूँगा, चिल्लाऊँगा नहीं, ड्रामा नहीं करूँगा, आपका वचन खरा खरा लोगों को सुनाऊँगा, उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में रूपांतर प्रदान कीजिए, और इसलिए मुझे अपना वचन दीजिए। ये मेरा समर्पण है प्रभु के वचन के प्रति। आज से 2 साल पहले जब भाई जेफरी ने मुझसे कहा कि अच्छा होगा भैया यदि हम एक हिंदी सभा प्रारंभ करें, तो सच कहें सुनते ही मेरी तो नैनी मर गई कि हिंदी में सभा गाएगा कौन, मैं गाऊंगा तो जिनको वो लोग बटोर के लाएंगे वो भाग जाएंगे।
लेकिन गाने का जो गिफ्ट है, जो वरदान है, वो प्रभु ने जिस परिवार को दिया है वो परिवार अपने आप आ गया है, और इसलिए यहाँ गाने गवैयों की कोई कमी नहीं रही। जब एक परिवार आगे आया तो मंडली के बहुत सारे जवानों के मन में उत्साह आया कि ढोलक मजीरे भी बजाए जाएं, गिटार भी बजाए जाए। यह है प्रभु की योजना। जब एक व्यक्ति इस बात का निर्णय लेता है कि मैं अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करूंगा, तो उसके साथ जितने लोगों की जरूरत है प्रभु उनको भेजते हैं। गाइडेंस के लिए हमारे भाई क्रिस्टी आ गए, और इतने सारे लोगों को जुटाया किसने? एक जवान जिसको प्रभु ने अपना शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाने का गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, उस जवान के कारण हम सब एकत्रित हुए। यह है मेरा मतलब आत्मिक वरदान से। प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिया है। मुझे टीचिंग का वरदान दिया है, आप में से कई लोगों को गाने का वरदान दिया है, और कई लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का वरदान दिया है, किसी को प्रभु ने शुभ संदेश सुनाने का वरदान दिया है। छुट्टियों में जो भाई बहन लोग आए वो क्यों? वो बड़े आराम से आज जाके अपने रिश्तेदारों से मिल सकते थे, क्यों यहाँ आए? इसलिए कि उनके जीवन में वो बुलाहट, उन लोगों ने बुलाहट सुनी। आज सुबह तो जब भाई राजू और बहन मैगी आए हैं, ये जब अनाउंसमेंट हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा अरे उनको बुलाएंगे, लेकिन मुझे इतने जल्दी जाना पड़ा कि उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन वो यहाँ मौजूद है। क्यों? उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी। भाई मनोज तो महीनों से आ रहे हैं, क्यों? उनसे कोई विशेष किसी ने जाके हाथ नहीं जोड़े कि भैया आके मदद कर देना, उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी। पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी से जाके किसी ने अनुरोध नहीं किया, उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी कि बच्चे फलानी जगह पर तुम्हारी जरूरत है, जाओ और मदद करो। इस कारण इस सभा में हम सबको अनुग्रह मिल रहा है। आप कहेंगे कि अच्छा शास्त्री सर, आप तो संदेश देते हैं, आपको भी अनुग्रह मिल रहा है क्या? जी हाँ, ये संदेश आपको सुनाने के लिए कई बार घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से प्रभु की वाणी सुननी पड़ती है। और जब मैं प्रभु से एक वचन की बात कि प्रभु अपना वचन दीजिए, तो प्रभु कम से कम चार बात मुझे सुनाते हैं, जिससे मेरे आत्मिक जीवन में भी मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। और जब इस वचन को सुनकर लोग मुझे बताते हैं कि आपके फलाने दिन के फलाने संदेश से मेरे आत्मिक जीवन में मुझे प्रेरणा मिली, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु ने हम सबको एक परिवार के रूप में रखकर इस परिवार में जिस चीज को जो जो गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट देकर इसलिए रखा है कि हम एकजुट होकर एक दूसरे की सेवा करें। यहाँ आगे लिखा हुआ है कि आत्मिक वरदानों का उपयोग एक दूसरे की सेवा के लिए करें। आज सभा के बाद जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि चाय पानी के लिए सब लोग बरामदे में चले जाएं। चाय पानी अपने आप बन गया क्या? स्टव ने अपने आप चाय पानी बना दी क्या? जी नहीं। वहाँ सेवा के लिए प्रभु ने जिनको बुलाया है वो लोग, जब हम यहाँ बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे थे उस समय वो लोग भी प्रभु का वचन सुनना चाहते थे, लेकिन उसको छोड़कर वहाँ गए जिससे कि वो काम भी हो सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन एक विशेष जीवन है। इसका आरंभ तब होता है जब हम प्रभु के चरणों के पास जाकर प्रभु के सामने ये मान लेते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, मुझे अपनी संतान बनाइए, पहला अध्याय। उसके बाद अध्याय खुलते चले जाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई कि मेरा और आपका जीवन असली होना चाहिए। आज मैंने आपको ये बात याद दिलाई कि प्रभु ने मुझे और आपको जो वरदान दिया है उस वरदान का उपयोग होना चाहिए। प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम और भी अध्याय खोलेंगे और देखेंगे। आज प्रभु ने इन बातों को सुनने के लिए हमें जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं, लेकिन स्टेज से जाने का समय नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न सबसे पूछना चाहता हूं, आपको इस बात का यकीन है क्या
कि आप अपने आत्मिक वरदान का उपयोग सही रीति से कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, देर नहीं हुई है, बिल्कुल देर नहीं हुई है, अभी भी समय है अपने आत्मिक वरदान को पहचान कर उसका सही उपयोग करने के लिए। दूसरी बात, मैं बार बार प्रभु के चरणों में जाकर अपने पापों को मानकर प्रभु से नया जीवन पाने की बात करता हूं। इस सभा में अधिकतर लोगों ने किया है। यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अपने जीवन में आज तक ऐसा नहीं किया है, तो आज उस व्यक्ति से मेरी विनती है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अपने आत्मिक जीवन की उपेक्षा ना करें। हिसाब देना पड़ेगा। उस समय आप एकदम से जाके अरे भैया मैं अभी इलाज करके आता हूँ, भाई आप रेलगाड़ी में चढ़ गए, टिकट चेक कराया, टिकट कहाँ है, अरे मैं अभी वापस स्टेशन जाके लाता हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? इसी तरह से मुझे और आपको जाना पड़ेगा। मैंने वो स्टेटमेंट बार बार आपको सुनाया है, आया है सो जाएगा, जो इस संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, मतलब जो धनी है, रंक जो फटे हाल है, फकीर जिसने सब त्याग दिया है। बस इस संसार में सिर्फ तीन ही प्रकार के लोग हैं, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, इस संसार में आ गए आपको जाना पड़ेगा। चले जाने के बाद फिर आप उस नए जीवन को नहीं पा सकते। अवसर आज है, और इस कारण इस सभा के बाद हम में से किसी से बात कीजिए, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके इस नए जीवन को पा लीजिए, और उसके बाद ही इस सभा से जाएं। आज प्रभु ने हम सबकी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्रभु ने आप सबको आने के लिए आपकी मदद की, उसके लिए भी मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, आपने शास्त्री फिलिप के इस अद्भुत पाठ का आस्वादन कर लिया है। शास्त्री जी बहुत सारे विषयों पर बहुत ही मनस्पर्शी अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक भी आपसे छूट न जाए, इसके लिए एक काम कीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में एक घंटी का चिन्ह भी दिखाई देगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। बस हो गया काम। अब शास्त्री जी के हर वीडियो की सूचना आपको अपने आप मिल जाएगी। हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। अनुग्रह सिर्फ अपने आप तक न रखें। प्रभु आपको सर्व अनुग्रहों से भरपूर करें।